अजमेर के क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी की वारदात के मामले में अजमेर पुलिस अधीक्षक के दखल के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र के चौरसियावास गांव का है, जहां रहने वाले फिरोज पिछले दिनों पारिवारिक शादी समारोह में भाग लेने के लिए मसूदा गया हुआ था। वहां से वापस आकर देखा तो मकान के ताले टूटे हुए थे और अंदर रखा लगभग 2.5 से 3 लाख का सामान चोरी हो गया था। इस मामले में पीड़ित फिरोज ने पहले क्रिश्चनगंज थाना पुलिस को शिकायत दी, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो एसपी से मुलाकात कर उन्हें अपना परिवाद पेश किया। अजमेर एसपी जगदीश शर्मा के दखल के बाद अब क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। मसूदा गांव में गए हुए थे मेरी बहन के सिस्टर के, 15 तारीख को शाम को कपड़े लेके वगैरह गए थे, छोटे मोटे कपड़े, जो सिस्टर की शादी थी तो वहाँ सिस्टर की लड़के की शादी थी, जो वहाँ कपड़े वपड़े लेके गए थे। हम शाम को 4 बजे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे आया था यहाँ पे, 4 बजे आके देखा तो ताला वाला सब टूटे हुए थे। फिर थाने में फ़ोन लगाया, थाने से उठाया नहीं, फिर कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाया हमने, कंट्रोल रूम से फिर थाने से गाड़ी आई थी, मुखे पर गाड़ी आके थे, फोटो वोटो खींच के ले गई थी। फिर 4 दिन हो गए अभी तक तो कुछ कार्रवाई की नहीं थी। फिर रात को कल शाम को एसपी साहब को मैंने दिया, तो फिर एसपी साहब से उन्होंने क्या, फिर थाने में आया तो कल रात को बुलाया था थाने में, अभी बुलाया थाने में सर, किशनगढ़ थाने में। क्या क्या गया आपने सामान? सर 1.5-2 तोला तो सोना था और बाकी चांदी थी 3-4 किलो, तो थोड़ा बहुत 5-7 हज़ार रुपये कैश थे और बाकी जो नोटों की माला थी 15-20 हज़ार रुपये की, वो ले गए सारे। कितना क्या नुकसान हुआ? सर 2.5-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ। और पुलिस तो कहाँ पर आपके ये मकान? सर मेरा मकान ये वैशाल नगर चोरसियावास गाँव में। आप क्या करते हो? सर मैं तो कलर वगैरह काम करता हूँ। आपका नाम? फिरोज़।